फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्रोशेट कैप ट्यूटोरियल है, जिसके लिए ये एक ब्यूटीफुल सी कैप मैंने रेडी की हुई है और ये 9 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे का परफेक्ट साइज़ है। लेकिन आप अगर चाहें तो इससे छोटे साइज़ में भी इसको बना सकती हैं और इससे बड़े साइज़ में भी इसको बना सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैटर्न है, सिर्फ डबल क्रोशा और सिंगल क्रोशा स्टिचेस। अगर आपको अच्छे से बनाने आते हैं तो आप ये कैप कम्प्लीटली आसानी से बना लेंगी। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी कैप की मेजरमेंट का पता होना चाहिए कि कितनी आपको उसकी लंबाई रखनी है और कितनी आपको चौड़ाई रखनी है, ठीक है। जिस भी साइज़ में जिसकी भी कैप आप बनाना चाहती हैं उसके सर की एक बार मेजरमेंट आपको ले लेनी है। जैसे कि ये कैप मैंने बनाई है तो इसकी जो चौड़ाई है ये 6.5 है, यानी कि 13 इंच इसकी गोलाई है। तो आपको पता होनी चाहिए कि आपको अपनी कैप के लिए कितनी गोलाई रखनी है और उतनी लंबी ही आपको चेन बना लेनी है। चेन जो बनानी है वो 6 के मल्टीप्लाई में बनानी है। तो 6 के मल्टीप्लाई में करके ही आप इस चेन की लंबाई को छोटा या बड़ा कर सकती हैं और उसी से आपकी ये कैप जो है छोटे या बड़े साइज़ में बन जाएगी और लंबाई अपने हिसाब से आपको इसकी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अगर ये कैप आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में आने वाले घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन भी ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेबी वूल का यूज़ किया है। आप वर्धमान की या उस वाल की कोई भी वूल ले सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर 14 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ किया है। सबसे पहले चेन बनाने स्टार्ट करेंगे हम। तो ऊन पर एक स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरीके से, ये स्लिप नॉट हो गई। अब इसके बाद में चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चेन हो गई। इसके बाद में फिर से 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से 6 के मल्टीप्लाई में हमें चेन बनानी है। तो इस साइज़ के लिए मैंने 66 चेन्स बनाई थी। इससे छोटे साइज़ के लिए आपको 60 चेन बनानी है या फिर 72 चेन्स बनानी है। तो 6 के मल्टीप्लाई में ही अपने कैप के हिसाब से आपको इसका साइज़ छोटा या बड़ा करना है, ठीक है। तो मैं 66 चेन्स कम्प्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, जब आपकी चेन कम्प्लीट हो जाएंगी तो चेन कम्प्लीट होने के बाद में चेन को इस तरीके से पकड़ना है हमें, सीधे रखते हुए, बिल्कुल कोई भी बल नहीं आना चाहिए इस चेन में। और जो अपनी पहली वाली चेन बनाई थी उसमें हम क्रोशिया डालेंगे इस वाली चेन में। और अब यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से, ऊन को निकालेंगे इस लूप में से और जो लूप क्रोशिया में है उसमें से भी इसको निकाल देंगे। तो ये एक स्लिप स्टिच हो गया और ये चेन हमारी इस तरीके से गोलाई में ज्वाइंट हो जाएगी। अब इसके बाद में अपना फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे हम। 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन 1 डबल क्रोशिया की गिनती में आएगी। अब इसके बाद में क्रोशिया के ऊपर ऊन को लेंगे और ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट वाली चेन है, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे। अब ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर ऊन लेकर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो 3 चेन को मिलाकर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से क्रोशिया के ऊपर ऊन को लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे, पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो एक एक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया स्टिच हमें बनाना है इस रो में। और ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होने लगा है, एक चेन बाकी है। इस एक चेन में भी मैं यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया स्टिच बना लेती हूँ और ये हमारे फर्स्ट रो का आखिरी 1 डबल क्रोशिया स्टिच है। अब इसके बाद में हम इसको जॉइंट करेंगे। ये देखिए, स्टार्टिंग में जो 3 चेन हमने बनाई थी ना, उसकी टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम इसको जॉइंट करना है और फर्स्ट रो हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए फिर से 3 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन भी 1 डबल क्रोशिया की तरह ही वर्क करेगी। अब इसके बाद में क्रोशिया के ऊपर उनको लेंगे और ये देखिए, ये हमारा नीचे वाली 3 चेन के बाद में पहला 1 डबल क्रोशिया स्टिच है। इसको हम फ्रंट पोस्ट 1 डबल क्रोशिया करके बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से क्रोशिया डालेंगे नीचे की तरफ और दूसरी साइड से लेकर आएंगे ऊपर, ठीक है। अब ये स्टिच हमने ऊपर की तरफ उठा लिया है, अब इस पर हम 1 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट 1 डबल क्रोशिया स्टिच हो गया।
अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो बैक पोस्ट किस तरीके से बनाना है, ये जो हमारा डबल क्रोशिया स्टिच है इसमें अब हम पीछे की तरफ से क्रोशिया आगे लेकर आएंगे और इस स्टिच को पीछे ले जाते हुए क्रोशिया दूसरी तरफ निकाल देंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच हो गया, ठीक है। एक फ्रंट पोस्ट हो गया, एक बैक पोस्ट हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से नेक्स्ट वाला बैक पोस्ट बनाएंगे, ये हो गया नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट बैक पोस्ट। तो इस तरीके से पूरा रो कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। सारे स्टिचेस इसी तरीके से बनाने हैं, एक स्टिच फ्रंट पोस्ट रखेंगे, एक बैक पोस्ट, फिर एक फ्रंट पोस्ट, फिर एक बैक पोस्ट। तो ये पूरा रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए सेकंड रो मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, एक स्टिच रह गया है उसको भी मैं बना लेती हूँ। और ये जो एक आखिरी स्टिच है मेरा, ये फ्रंट पोस्ट रहेगा, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अभी देखिए ये थ्री चेन है, थ्री चेन की टॉप चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे, दो रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये जो थ्री चेन हमारी चलेंगी ना, ये देखने में बैक पोस्ट की तरह ही दिखाई देंगी पीछे की तरफ। तो जैसे अब हमने ये सेकंड रो बनाया है ना, सेम इसी तरीके से हमें अपने आगे के रो बनाने हैं। आप अपनी मर्जी से इस बॉर्डर को कितना भी चौड़ा बना सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए ये तीन रो का काफ़ी रहेगा, उसके बाद में आप चार रो भी बना सकती हैं और पाँच रो तक का भी आप इसको चौड़ा बना सकती हैं, ठीक है। अगर आप एक वोमेंस कैप बनाना चाहती हैं इसी पैटर्न में, तो कम से कम पांच रो का बॉर्डर आपको इसमें बनाना होगा। तो देखिए नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे हम तीन चेन के साथ में। अब क्रोशिया पर उनको लेंगे और पिछले रो की तरह ही फर्स्ट स्टिच हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। इस तरीके से उठाएंगे, ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट हो गया। नेक्स्ट स्टिच हमारा बैक पोस्ट है, इसको हम बैक पोस्ट करके बनाएंगे, ठीक है। तो सेकंड रो वाला काम ही हमें थर्ड रो में करना है, फोर्थ रो में करना है और फिफ्थ रो में भी करना है। जितना भी चौड़ा आप ये बॉर्डर बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो ये बॉर्डर कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना बनाया है, ठीक है। ये देखिए ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है, ये तीन रो कम्प्लीट किए हैं मैंने इसके, और कैप का जो बॉर्डर है इसको मैंने चार रो में कम्प्लीट किया था। ये देखिए हमारा फर्स्ट रो है, उसके बाद में ये सेकंड रो, थर्ड रो और ये फोर्थ रो। तो ये फोर्थ रो का बॉर्डर बनाया है मैंने इस साइज़ के लिए। अगर आपको इससे बड़े कैप बनानी है तो आप इसमें फाइव रो बना सकते हैं, ठीक है। कम से कम तीन रो तो आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है, स्मॉल साइज़ के लिए भी। तो यहाँ पर तीन रो कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। अब इसके बाद में ये वाला जो हमारा पैटर्न डाला हुआ है ना, यहाँ से हम अपना पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैटर्न है ये, तो ये कैसे बनेगा ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए जिस यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया हुआ है, अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद में जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में एक हम सिंगल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर बना लेंगे पहले। तो इसके लिए चेन में क्रोशिया डालकर उनको आगे लेकर आएंगे, दो लूप्स क्रोशिया में, दोनों में से ऊन लेकर क्रोशिया निकाल देंगे। तो ये सिंगल क्रोशिया स्टिच हो गया। अब इसके बाद में क्रोशिया के ऊपर उनको लेंगे और एक दो दो चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे, एक और बनाएंगे। तो इसी एक चेन में से हमें कुल मिलाकर सात डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। तीन कंप्लीट हो गए हैं ये, चार, पाँच, छः, और एक सात। ये सात डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट हो गए। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद में आगे वाली दो चेन स्किप करेंगे हम और तीसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर बना देंगे। तो ये एक बार का पैटर्न छः चेन के ऊपर बनता है। पहले हमने दो चेन स्किप की, फिर तीसरे में काम किया, फिर दो चेन स्किप की, फिर तीसरे में काम किया। तो ये छः चेन हमारे पास रह जाती हैं काम करने के लिए। अब इसी तरीके से छः छः चेन के ऊपर एक बार का पैटर्न हम डालेंगे। देखिए दो चेन स्किप करेंगे, तीसरी के ऊपर हम सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच
6, 7, ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद में 1, 2, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरी कैप पर हमें ये पैटर्न बना लेना है। ये जो मैंने कैप बनाई है 66 स्टिचेस के ऊपर, ये पैटर्न हमारा कुल मिलाकर 11 बार बनता है, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रो कंप्लीट हो गया है मेरे यहाँ पर। इस एक चेन में मैंने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। ये 2 इस चेन हैं हम अभी हमारे पास काम करने के लिए, दोनों चेन स्किप करेंगे हम, और ये जो सिंगल क्रोशिया स्टिच हमारा बना हुआ है इसकी चेन में क्रोशिया डालेंगे। ये हमारी सिंगल क्रोशिया की चेन है, इसमें क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे। अब ये लूप है क्रोशिया में, इसमें से भी इसको निकाल देंगे। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। स्लिप स्टिच करने के बाद में अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। तो दूसरे कलर की ऊन ले लेती हूँ मैं। देखिए दूसरी कलर का एक लूप बना लिया है मैंने यहाँ पर, इसको क्रोशिया में लेंगे, इस चेन में से निकाल देंगे। अब ये जो चेन है इसको हम टाइट कर देंगे इस तरीके से। अब इस कलर से हम 1, 2, 3 तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे। ये एक तीन चेन एक डबल क्रोशिया की गिनती में आएंगी। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पीस को, अब ये हमारी ये जो है हमारी बॉर्डर हमने पूरा राइट साइड की तरफ से ये बनाया है, और ये जो पैटर्न बनाया है ये भी अभी हमारा राइट साइड है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पीस को टर्न करेंगे और ये रो अब हम रॉन्ग साइड की तरफ से बनाएंगे। तो पहले यार्न ओवर करेंगे, और ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया स्टिच की चेन है जिसमें अभी हमने स्लिप स्टिच किया था, इसी चेन में हम यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे और एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। तो ये तीन चेन के बाद में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। अभी देखिए ये हमारा फैन स्टिच बना हुआ है यहाँ पर, इसमें हम पहला डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, और उसके बाद में जो फोर्थ डबल क्रोशिया स्टिच है इसका जो बैक लूप है ये वाला, एक ही तार लेंगे हम सिर्फ क्रोशिया में। ये 2 लूप होते हैं ना चेन में, तो बीच में से क्रोशिया डालेंगे और पीछे की तरफ निकाल देंगे, तो ये बैक लूप कहलाता है, ठीक है। इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है, तो हम ऊन को आगे लेकर आएंगे और ऊन लेकर दोनों लूप्स में से निकाल देंगे, तो ये सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे, और ये हमारे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है। अब इस सिंगल क्रोशिया के बैक लूप में ये देखिए इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे, और इसमें हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 हो गए। इसके बाद में ये हमारा फैन स्टिच है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथे वाले डबल क्रोशिया की चेन में क्रोशिया डालेंगे सिर्फ बैक लूप लेकर, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया के चेन में हमें फैन स्टिच बनाने हैं इस वाले रो में, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया है, इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे, और ये हमारे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है। इसके बैक लूप में हम फिर से यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बनाएंगे 7। ये 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब इस वाले फैन स्टिच के 1, 2, 3, 4 फोर्थ चेन में एक सिंगल क्रोशिया के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से ये रो हमारा कंप्लीट होगा। तो ये देखिए ये हमारे पैटर्न का सेकंड रो कंप्लीट होने लगा है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया हुआ है मैंने। अब हम क्या करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, और जिस चेन में हमने स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इसी चेन में ये देखिए धागे ये आगे की तरफ है, इनको साइड में करेंगे, और इसी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर ये देखिए 3 चेन बनी हुई हैं, और उसके बाद में ये 3 डबल क्रोशिया स्टिच और हैं, तो इसमें हम 3 चेन की टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइंट कर देंगे,
दो रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारी कैप की रॉन्ग साइड है, ठीक है। अब ये जो धागे हैं, जितने भी टेल हैं, ये हमारी रॉन्ग साइड की तरफ ही रखनी है हमें हर एक रो में। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब फिर से अपना फर्स्ट वाला कलर लूँगी मैं और उसके बाद में इसमें लूँगी क्रोशिया में और एक चेन हम यहाँ पर बनाएंगे और जो हमारा फर्स्ट वाला कलर है इसको टाइट कर दूंगी मैं, देखिए इस तरीके से, और इसको भी हम आगे की तरफ ही रखेंगे, ठीक है। अब इस पीस को टर्न करेंगे और अपना थर्ड रो पैटर्न का स्टार्ट करेंगे। थर्ड रो के लिए हमें क्या करना है, एक चेन बनाएंगे हम यहाँ पर और ये वाली जो चेन है हमारी, इसी चेन में हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे पहले सिर्फ बैक लूप लेकर, ठीक है। ये देखिए सिर्फ एक तार लिया है मैंने, बैक लूप लेकर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अब क्रोशा के ऊपर उनको लेंगे और अपने सेकंड रो का पैटर्न यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशा स्टिच बना हुआ है, इसमें हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक और बनाएंगे। तो इसमें भी हमें एक ही चेन में 7 डबल क्रोशा कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रोशेट कैप के डिज़ाइन आपको देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा या फिर ऊपर कोने में आई बटन है उस पर क्लिक करके भी आप मेरे बाकी कैप के डिज़ाइन देख सकते हैं और कुछ वीडियोज़ इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगी मैं, तो वहाँ पर भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कैप हैं वो भी, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टिच हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अब 1 2 3 4 ये फोर्थ चेन है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। तो जो सेकंड रो मैंने आपको बनाकर बताया है सेम वही पैटर्न अब इसके आगे हमें रिपीट करना है, सिर्फ पर कितना रहेगा कि सेकंड रो को हमने 3 चेन के साथ स्टार्ट किया था और थर्ड रो को हमने सिंगल क्रोशिया के साथ स्टार्ट किया था जैसे हमने अपना फर्स्ट रो स्टार्ट किया था। तो यही दो रो रिपीट करते हुए हमको अब इस कैप की लंबाई बढ़ानी है बस, ठीक है। तो सेकंड रो और थर्ड रो रिपीट करने हैं इसके आगे हमें और इस कैप की लंबाई को कंप्लीट करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैटर्न है, एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, आपको मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और यूनिक डिज़ाइनर काम देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी सवाल आपके मन में आता है इससे रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 तो ये कैप आपको इस तरीके से बना लेनी है, देखिए इस तरीके से ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रो मैंने बनाए हुए हैं, 7th रो में मैं अब अपने स्टिचेस को कम करना स्टार्ट करूँगी ताकि इस कैप की जो शेप है ये ऊपर से इसका जो साइज़ है वो कम हो जाए। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो 7 स्टिचेस हमने बनाए हैं ना हर एक रो में, इसके आगे जो रो बनाऊँगी ना मैं, दो रो में हम इनको 5 स्टिचेस बनाएंगे, उसके बाद में दो रो में हम ये स्टिचेस 3 ही रखेंगे, तो इससे इस कैप की जो चौड़ाई है ऊपर से कम हो जाएगी। तो ये किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए छठा रो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ हुआ है, स्लिप स्टिच किया हुआ है मैंने यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी, 7th रो के लिए फिर से अपना फर्स्ट कलर ले लूँगी और इसके साथ में इसको हम ज्वाइंट करेंगे और ये वाला जो कलर है इसको टाइट कर देती हूँ मैं। अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में जिस चेन में अभी हमने स्लिप स्टिच किया था इसी चेन में हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया स्टिच है ना, इसमें हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाते हैं, लेकिन अब हम 7 नहीं बनाएंगे, अब हम इसमें सिर्फ 5 ही डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये 2 हो गए, 3 4 5 ये देखिए सिर्फ 5 ही डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं मैंने यहाँ पर। 5 डबल क्रोशिया के बाद में 1 2 3 4 चौथी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया। अब इसके बाद में यार्न ओवर करेंगे और ये सिंगल क्रोशिया स्टिच है इसमें भी हम 5 ही डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसके स्टिचेस को कम करना है। ये वाले रो में 5 बनाऊंगी मैं और नेक्स्ट वाले रो में भी 5 बनाऊंगी और उसके बाद में 2 रो बनाऊंगी मैं जिसमें मैं ये वाली स्टिच सिर्फ 3 ही रखूंगी, ठीक है।
तो मुझे जो ये कैप बनानी है, मेरे कैप की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। आपको अपने हिसाब से, मैंने जैसे यहाँ पर 6 रो बनाए हैं ना, अगर आपको इससे बड़े साइज में बनानी है तो आपको ये वाले रो 8 बनाने हैं, और उससे भी बड़े साइज में बनानी है तो फिर 10 बनाने हैं, ठीक है। तो आपको अपनी कैप का एग्जैक्ट मेजरमेंट पता होना चाहिए कि आपको किस साइज़ की कैप बनानी है, तब आपको ये काम करना है, ठीक है। तो ये कैप कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने 10 रो कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर, और ये कैप की लंबाई मेरे हिसाब से इस साइज़ के लिए काफ़ी है, जिसमें कि मैंने ये वाले जो पिंक वाले रो हैं, 3 बारी में हमने इनमें 7-7 डबल क्रोशे बनाए हैं, और उसके बाद में ये जो 4th बारी है इसमें हमने यहाँ पर 2 रो में 5-5 डबल क्रोशे बनाए हैं, और इस वाले फैन स्टिच के बीच वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया है, और उसके बाद में 2 रो में मैंने 3-3 स्टिच बनाए हैं, तो तीसरे में से जो बीच वाला स्टिच रहता है उसकी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी कैप बनकर रेडी हो गई है। स्लिप स्टिच मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इस ऊन को थोड़ा सा छोड़ दूंगी मैं, और इस ऊन को थोड़ा छोड़ने के बाद में यहाँ पर ऊन कट करूंगी। ये ऊन कट हो गई है मेरी। अब एक चेन बनाऊंगी और इसको ऊन को ऊपर की तरफ ले लूंगी मैं, और यहाँ पर इसको टाइट कर दूंगी, तो ये एक नॉट लग जाएगी। अभी जो हमारा फर्स्ट वाला कलर था इसको भी कट कर दूंगी मैं यहाँ से। अब बारी आती है इसमें सिलाई लगाने की। मैं आपको दिखा दूँ एक बार इसमें कितना बड़ा होल बचा है बीच में। ये देखिए सिर्फ इतनी सी जगह है इसमें बीच में। अब ये जगह हमें सिलाई के साथ में कवर करनी है। तो ये हमारी ऊन है जो मैंने अभी छोड़ी थी, इसको मैं सुई में डाल लूंगी। ये टेपेस्ट्री नीडल ली हुई है मैंने यहाँ पर। ये देखिए सुई में ऊन डाल ली है मैंने, और आप देख सकते हैं ये जॉइंट है अभी भी कैप से। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम यहाँ पर इस तरीके से सुई निकालेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। जहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट की थी वहाँ तक हम इसको लेकर आ जाएंगे, और अब हम इसको इस तरीके से खींचेंगे। ये देखिए ये जगह हमारी इस तरीके से छोटी हो जाएगी। इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे, और अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ी सी सिलाई और करेंगे इसको अच्छे से पक्का करने के लिए। पॉम पॉम जब हम इसमें लगाएंगे ना, तो पॉम पॉम भी हमें इसी ऊन में लेकर इसके साथ साथ में लगा लेना है, तो इसमें मैंने पॉम पॉम भी बनाकर लगाया था। तो आप अगर चाहें तो पॉम पॉम लगा सकते हैं, या फिर कुछ और, या फिर अगर आप चाहें तो प्लेन भी इसको छोड़ सकते हैं, या अगर कुछ और इसमें आप लगाना चाहें तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कैप बनकर रेडी हो गई है। 2-3 टाँके हम इसमें नीचे की तरफ लगाएंगे तो ये पक्का हो जाएगा अच्छे से। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे अभी इसके ऊपर पॉम पॉम भी लगाना है, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है। तो पॉम पॉम बनाकर इसको रेडी कर लेती हूँ मैं। पॉम पॉम किस तरीके से बनाना है, इसके लिए पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी एंड में उस वीडियो को कार्ड आएगा, उस पर क्लिक करके आप पॉम पॉम बनाने का तरीका सीख सकते हैं, और इसके ऊपर पॉम पॉम लगाकर इसका फाइनल लुक फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कैप का फाइनल लुक है। इस तरीके से कैप बनकर रेडी हुई है, तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप अपनी पसंद के किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर करके जाएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लीजिएगा, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।